सो गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले आप प्रूफ देख सकते हो, यहाँ पे ना प्रोफाइल फोटो यहाँ पे शो रहा है, ना यहाँ पे नाम शो रहा है, और ना यहाँ पे कॉल बटन शो रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप हाइड कर सकते हो जी भी व्हाट्सअप में। यहाँ पे देखते हो, मैं बैक आया तो बैक आने के बाद फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे किस मैं यहाँ पे टाइपिंग करके बात कर सकता हूँ, और पीछे से कोई सा बंदा देखेगा तो उसे पता नहीं चलेगा आप किससे बात कर रहे हो, किससे बात नहीं कर रहे हो यहाँ पर टाइपिंग करके। तो कुछ इस तरीके से आप हाइड कैसे कर सकते हो वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। सो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आ जाना अपने मोबाइल के होम स्क्रीन के ऊपर, और होम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद अभी तक आप लोगों ने जीबी व्हाट्सएप को डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देखकर जीबी व्हाट्सएप को ऑलरेडी डाउनलोड करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपको नया अपने जीबी व्हाट्सएप को ओपन कर लेना। सो गाइस, मैं अभी अपना जीबी व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। ओपन करने मतलब यहाँ पे किसी भी जैसे कि किसी बंदे को चैट में आते हैं, चैट में आने के बाद यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे अभी प्रोफाइल फोटो शो हो रहा है, और यहाँ पे नाम शो हो रहा है, यहाँ पे लास्ट सीन शो हो रहा है, और यहाँ पे कॉल बटन शो हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे आप किसी से भी बात करोगे जैसे टाइपिंग करके, और पीछे से कोई बंदा देख सकता है कि आप किससे बात करो और किससे बात नहीं करो। और ये आप चाहते हो इन सारे बटन को जो है हाइड कर दूँ, ये वाला नेम और प्रोफाइल फोटो और ये कॉल बटन यहाँ पे हाइड कर दूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई सा बंदा पीछे से देगा तो उसे पता नहीं चलेगा आप किससे बात करो किससे बात नहीं करो। तो हाइड कैसे करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद एंड आपको यहाँ पे देखने में मिलेगा जीबी सेटिंग का ऑप्शन। सिंपली आपको जीबी सेटिंग वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ पे आपको देखने में जाएगा चैट स्क्रीन का ऑप्शन, होम स्क्रीन के नीचे के साइड यहाँ पे चैट स्क्रीन दिखेगा। आपको इस चैट स्क्रीन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा एक्शन बार का ऑप्शन, फर्स्ट में ऊपर के साइड देखने में मिलेगा एक्शन बार, इस पर आपको क्लिक करना है। सो गाइस, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा हाइड कॉन्टैक्ट यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर। सिंपली आपको हाइड कॉन्टैक्ट प्रोफाइल पिक्चर पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखते हो कॉन्टैक्ट का यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर हाइड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा हाइड कॉन्टैक्ट नेम। सिंपली आपको हाइड कॉन्टैक्ट नेम पे क्लिक करना है, और इसका सेटिंग आपको इनेबल करोगे तो यहाँ पे देखते हो कॉन्टैक्ट नेम यहाँ से हाइड हो चुका है, और यहाँ से प्रोफाइल फोटो हाइड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा हाइड कॉल बटन। सिंपली आपको हाइड यहाँ पे कॉल बटन दिख रहा है, इस बटन को आप हाइड कर सकते हो। तो सिंपली आपको इसको भी आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जैसे आप किसी बंदे को चैट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखते हो इसका जो है नाम और यहाँ पे कॉल बटन कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगले बंदे को जो है पीछे से कोई भी देगा तो उसे पता नहीं चलेगा आप किससे बात करो किससे बात नहीं करो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हो सारे के बंदे जो सारे बंदे को प्रोफाइल पे यहाँ पे लग चुका है। तो मुझे चाहता हूँ कि एक किसी एक बंदे को जो है चैट की स्क्रीन पे वाला सेटिंग लगे, तो वो सेटिंग आप कैसे कर सकते हो, तो इस पर क्लिक करना, और इसके जो है क्या करना है यहाँ पे प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है, और आ जाना है यहाँ पे आपका आई बटन में। सो आपको आई बटन में आ जाना है। आई बटन में आने के बाद यहाँ पे देखने में मिलेगा हाइड कॉन्टैक्ट नेम। सिंपली यहाँ से आप हाइड कॉन्टैक्ट नेम को ही यहाँ से हाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं भी आप पे यहाँ से बैक आता हूँ, बैक आने के बाद इस सारे सेटिंग को जो है अभी हटाता हूँ मैं। तो गाइस, अभी सारे इन सारे सेटिंग को अभी मैं हटाता हूँ यहाँ से क्लिक करके, और इन सारे सेटिंग को अभी मैं ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आते ही जैसे आपको आओगे तो यहाँ पे किसी बंदे के चैट में क्लिक करते तो यहाँ पे नाम और यहाँ पे सब कुछ जो अभी शो करने लगा, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आज आपको आ जाना है। यहाँ पे देखने में मिलेगा हाइड कॉन्टैक्ट नेम। सिंपली हाइड कॉन्टैक्ट नेम ही सिर्फ यहाँ से हाइड कर सकते हो। जैसे एक बंदे के यहाँ से नाम हाइड कर दिए तो यहाँ पे सारे बंदे को जो है नाम यहाँ पे हाइड नहीं होगा, सिर्फ सिंगल बंदे का ही नाम हाइड होगा। यहाँ से देखते हो इसका नाम हाइड हो चुका है, और यहाँ से दूसरे बंदे पे क्लिक करूँगा तो उसका भी नाम यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे देखते हो, और इसका नाम शो नहीं हो रहा है। और उस तरीके से सेटिंग करोगे तो नाम प्रोफाइल पिक्चर ये सारे बंदे का हाइड हो जाएगा। और पर्सनली चाहते हो एक बंदे का हाइड करना तो कुछ इस तरीके से आप नाम पे क्लिक करके यहाँ से हाइड कर सकते हो, हाइड कॉन्टैक्ट नेम सिंपली। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक लेके, तब तक के लिए बाय।